अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम फिर आ गए हैं प्लांट शॉपिंग करने, और एक डिफरेंट नर्सरी के अंदर आपको मैं इसका टूर करवाऊंगा। अभी मैं इसके इंडोर सेक्शन में हूं, और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो है वो यहां पर इंडोर सेक्शन मौजूद है। इसकी डिटेल्स नर्सरी की मैं नीचे डिटेल्स के अंदर जो है वो मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं काफ़ी अच्छे प्लांट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पर पीस लिली वगैरह के प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन इनकी थोड़ी हालत ख़राब है क्योंकि अब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है मुल्तान के अंदर स्पेशली। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, और ये कुछ सागो पाम वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर मौजूद हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इनकी केयर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। चाइनीज़ एवरग्रीन यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके मैं कुछ आपको प्राइस बताता जाऊँ तो 600 इनके प्राइस हैं, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी यहाँ पर ड्रेसिना भी मौजूद है यहाँ पर। इनकी अभी हालत बड़ी टाइट हुई हुई है, और क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है तो इनकी केयर करना अभी बड़ा मुश्किल और चैलेंज हो गया है। जिस तरह से हमारे लिए एक चैलेंज होता है, वैसे ही नर्सरी के वालों के लिए भी बड़ा एक ये मुश्किल काम होता है। तो काफ़ी अच्छे पॉट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, डिफन यहाँ पर मौजूद है, डिफन के काफ़ी सारे पॉट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। मनी प्लांट काफ़ी सारे यहाँ पर पॉट्स इनके मौजूद हैं मनी प्लांट के। और इसका मैं अगर आपको बताऊं तो छोटा जो पॉट है इसका वो 400 का है, और बड़ा जो है वो 600 का है। ये बड़ा अच्छा पॉट यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी बड़ा है ये, और बहुत ड्रेसिना यहाँ पर ये डिफरेंट इसकी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। ड्रेसिना काफ़ी सारे यहाँ पर रखे हुए हैं, और इंडोर्स के सेक्शन के अंदर काफ़ी क्वान्टिटी यहाँ पर मौजूद है। ये क्रोटॉन रखा है, क्रोटॉन जो है वो ये 700 का है, काफ़ी अच्छा पॉट है, बड़ा है और 2.5 से 3 फुट का है ये तकरीबन। मनी प्लांट काफ़ी यहाँ पर क्वांटिटी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं अभी तक तो। और जिस तरह से यहाँ पर कुछ नए पॉट्स और नया प्लांट भी देखने को मिल रहा है मुझे, ये मॉन्स्टेरा एंडरसोना यहाँ पर रखा है। बहुत ही ज़्यादा बुशी तो नहीं है, लेकिन यह है कि जिसको अगर इसकी वैरायटी चाहिए हो तो वो यहाँ से अवेलेबल है, यहाँ से वो ले सकता है। 800 का पॉट है यहाँ पर। क्रोटॉन की एक ये भी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, क्रोटॉन की काफ़ी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। और कोलियस यहाँ पर रखा हुआ है, कोलियस भी साथ साथ मौजूद हैं। ये मॉन्स्टेरा काफ़ी सारे पॉट्स रखे हुए हैं, तो आप आके इनमें से जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। मनी प्लांट के काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर पॉट्स रखे हुए हैं, और 1500 मेरे निकाल के ये बुरे हैं, बहुत अच्छे पॉट्स यहाँ पर रखे हुए हैं 1600 के। ये ड्रेसिना की कुछ बड़ी वैराइटीज़ यहाँ पर मौजूद है। बेसिकली हमें जो प्लांट लवर होते हैं उनको होता यही है सीन कि आप मल्टीपल नर्सरीज़ के अंदर जाते हैं और वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्लांट्स को सर्च करते हैं। कहीं एक जगह आपको अच्छा प्लांट मिलता है तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो दूसरी जगह जाकर वहाँ से यही फ़ायदा होता है। जैसे ये मनी प्लांट काफ़ी हेल्दी है, और 400 के मेरे नहीं ख्याल के पूरे हैं ये। और कोलियस वगैरह का यहाँ पर अगर आपको ये पॉट दिखाऊँ मैं यहाँ पर, ये 80 रुपीज़ का मुझे बताया गया है, और 80 रुपीज़ के लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। एक तो इसके फ्लावरिंग वगैरह भी हो चुकी है, लीव्स इसके बड़े हैं, थोड़ा बुशी भी है, पॉट छोटा है लेकिन प्लांट बड़ा है, तो बहुत आउट क्लास यहाँ पर कोलियस की एक ये वैरायटी मौजूद है। तो आप इस तरह से आने का फ़ायदा यही होता है अलग अलग नर्सरीज़ में, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मौजूद है यहाँ पर रुकेरिया। फ़ायदा यही है, रबर प्लांट यहाँ पर देखें ये मौजूद है, रबर प्लांट के काफ़ी अच्छे पॉट्स रखे हुए हैं, और ये तकरीबन जो है वो 600 का प्राइस है इसका। और बर्ड ऑफ ये बनाना पाम जो है वो यहाँ पर रखे हैं, नीचे देख सकते हैं काफ़ी सारे नीचे से इनके ग्रो भी हो रहे हैं इनके पॉप्स, और 1500 का है ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पर क्वालिटी वाइज। इसके काफ़ी अच्छे जो है वो लीव्स मौजूद हैं, ज़्यादा लीव्स इसके डैमेज नहीं हुए, अक्सर जो नर्सरीज वगैरह के अंदर इस वक्त ये मौजूद हैं तो वहाँ पर इनके लीव्स काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, और ये न्यू लीव बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत न्यू लीव्स इसके निकल रहे हैं, और बहुत अच्छे हैं यहाँ पर ये बनाना पाम। तो यहाँ पर ये कुछ पाम है, ये उजड़ा चमन बना हुआ है इनका, ये काफ़ी जले हुए हैं, इनका हालत बड़ी ख़राब है। ये शफलेरिया रखे हुए हैं यहाँ पर, पाम वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखें अगर ड्रेसिना का बड़ा अच्छा पॉट मुझे देखने को मिला है, ये नीचे से एक निकल रहा है और ऊपर भी जो है वो ये इसका मौजूद है ड्रेसिना मार्किनाटा। तो यही फ़ायदा होता है यहाँ आने का, आप आएँ और देखें खुद सर्च करें। ये बर्ड ऑफ पैराडाइज का पॉट यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रखा है, लीव्स इसके अभी इतने बड़े नहीं हैं लेकिन ये पॉट काफ़ी बड़ा है, 3000 का है ये पॉट, और देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसके काफ़ी सारे लीव्स और काफ़ी सारे नीचे से जो है वो इसके प्लांट्स मौजूद हैं।
लेकिन अभी इसके अंदर फ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, अभी भी पॉट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, कुछ न्यू वेराइटीज़ वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं जो दूसरी जगह पर अभी मुझे लास्ट मैंने वीडियो डाली है उसके अंदर नहीं की हैं। क्रोटोन की काफ़ी वेराइटी है यहाँ पर, और ये रुकेरिया वगैरह काफ़ी रखे हुए हैं यहाँ पर, अच्छे हैं पॉट्स वगैरह यहाँ पर। ये कुछ ये देख सकते हैं यूफोर्बिया ट्राइगोला, यूफोर्बिया ट्राइगोना है ये बेसिकली। मेरे पास जो है वो रेड में है, ये ग्रीन में है, इसका कलर वगैरह जो है वो ग्रीन है अभी इसका। ये एक एरिका पाम रखा हुआ है यहाँ पर मेरे ख्याल में, तो बड़ा ही बहुत बड़ा मैसिव पॉट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये पॉट। ये अगर आपको मैं दिखाऊँ ड्रेसिना का, ये जो ट्राई कलर है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, दूर से ही आपको इसका कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त पिंक और पिंक का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है यहाँ पर। कैमरे में शायद इतना आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये रियल में बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी यहाँ पर वैरायटी मौजूद है इनकी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो दिखाऊँ जो कॉमन नहीं है इतने। ये कोलियस की तो बहुत ही यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। और पॉट्स आप देखें इसका, ये पॉट आप देख सकते हैं छोटा पॉट है लेकिन प्लांट बड़ा बेहतरीन चल रहा है। देखिए ऊपर इसके फ्लावर इतने अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ये है कि फ्लावरिंग हो रही है, मतलब कि ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई हुई है इसके अंदर, लीव्स काफ़ी बड़े हैं और फ्लावर की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी बटरफ्लाइज वगैरह भी आई हुई हैं। बहुत अच्छे यहाँ पर इंडोर सेक्शन के अंदर काफ़ी अच्छे इंडोर प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं, पाम वगैरह, कॉर्न वगैरह यहाँ पर, सागू पाम वगैरह, और अच्छे इनके प्राइस वगैरह भी ठीक हैं। आप आए हैं तो शायद आपको कोई डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ ये फंड मौजूद है, ये ज़रा दिखाता हूँ आपको मैं, काफ़ी बुशी है और बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट मैंने जो वीडियो आपको दिखाई थी उसके अंदर 1000 का था, लेकिन यहाँ 1500 का है, लेकिन उससे ये काफ़ी बुशी है, काफ़ी इसके अंदर जो है वो प्लांट्स मौजूद हैं, अच्छा है पॉट यहाँ पर इसका। बाकी इस साइड पर अभी जाने का रास्ता नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाह रहा, दूसरी साइड पर चलते हैं इधर। यहाँ पर पाम की और ड्रेसिना की एक ही वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ चलते हैं। क्रोटोन के काफ़ी पॉट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ड्रेसिना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और पाम भी काफ़ी सारे हैं, अच्छी है क्वांटिटी। क्वांटिटी का फ़ायदा यही होता है कि आप आते हैं तो आप देखते हैं क्वालिटी में आपको जो अच्छा लगता है पॉट आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर भी मनी प्लांट और ड्रेसिना वगैरह ही मौजूद हैं, एक ही वैरायटी चल रही है वहाँ आगे तक। दूसरे पोर्शन पे चलते हैं, यहाँ पर वही एक ही वैरायटी रिपीट हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पॉट्स आपको दिखाऊँ जो ये पाम देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत बड़ा पाम है यहाँ पर। ये यहाँ पर काफ़ी सारे आगे सारा पानी जमा हुआ हुआ है, ज़रा दूसरी साइड से चलते हैं। ये काफ़ी सारे पॉट्स यहाँ पर रखे हुए हैं मनी प्लांट के हैं, इस मार्क के अब पाम यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त, ये लीव्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बहुत ही बड़े, तकरीबन 5-5, 6-6 फुट के भी जो है वो इसके लीव्स होते हैं। ये कुछ यहाँ पर आउटडोर के तौर पे भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट्स को, ये मनी प्लांट की लाइन चल रही है अभी। यहाँ कुछ आउटडोर सेक्शन है और यहाँ कुछ एक आपको पॉट मैं दिखाता हूँ जो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक बेल है, यहाँ पर एक वाइन है, अक्सर आपने देखा होगा दीवारों के साथ ये लगी हुई होती है यहाँ, ये इनको आईवी कहते हैं। ये ग्रीन कलर में है, वैसे इसकी वेरीगेशन भी होती है, वेरीगेटेड भी होती है ये, और पिंक कलर की इसकी वेरीगेशन होती है। ये कुछ पॉट्स यहाँ पर हैं, ये पाम बहुत ही ज़बरदस्त है, पाम देखिए चेक करें, और पाम बहुत ही बड़ा, एक ये पाम रखा है, काफ़ी अच्छे वैराइटीज़ हैं यहाँ की। अगर पाम वगैरह आपको चाहिए तो पाम यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं, पाम ट्री।
फंड यहाँ पर रखे हैं, काफ़ी सारे फंड, डिफरेंट फंड यहाँ पर मौजूद हैं। 300 मुझे प्राइस बताई गई है यहाँ पे इन फंड की, और अलग अलग इनके जो है वो फंड मौजूद हैं यहाँ पर, ये मौजूद है, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर, ज़बरदस्त। पीछे इसके अम्ब्रेला पाम रखा है, साइप्रस भी कहते हैं, और अम्ब्रेला पाम भी रखा है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। और ये कुछ एक पॉट्स यहाँ पर रखा है, आई डोंट नो क्या चीज़ है, ये मे बी ओलिव्स लग रहे हैं मुझे। ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ट्राइगोना यहाँ पर मौजूद है, यूफोर्बिया ट्राइगोना, कुछ कैक्टस रखे हैं यहाँ पे छोटे पॉट्स के अंदर, और यहाँ पर ये प्लांट रखा है। कुछ आउटडोर के सेक्शन के तौर पे भी यहाँ पर आउटडोर वाले पोर्शन में भी रखे हैं यहाँ पर आउटडोर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये अम्ब्रेला पाम बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी बहुत सारे प्लांट्स इसके अंदर मौजूद हैं, और ये मुझे 500 इसकी प्राइस बताई गई है, और काफ़ी सारे पॉट्स मौजूद हैं, और इनको आप पानी में भी लगा सकते हैं, बेसिकली वाटर पाम भी कहते हैं इसको यहाँ पर लोकल नर्सरीज के अंदर, तो पानी में भी लगाया जा सकता है। इस तरह से लोटस वगैरह जो प्लांट होता है वो लगाया जाता है पानी में। यहाँ आउटडोर के सेक्शन में काफ़ी सारे प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन इतने अभी कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पर कुछ ये रखे हैं पाम, डिफरेंट सागो पाम भी हैं, कार्डबोर्ड पाम भी हैं, और कुछ यहाँ पर डिफरेंट जो है वो आउटडोर की वैरायटी भी रखी हुई है। मिक्स रखे हैं यहाँ पर, वही कॉमन जो मौजूद होते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर एक और बहुत ही ज़बरदस्त पॉट मौजूद है, के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस पोर्शन से ज़रा हट के। कार्डबोर्ड फार्म यहाँ पर काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं यहाँ पर, और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, न्यू लीव्स काफ़ी सारे इनके ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर इनके न्यू लीव्स, बिल्कुल ये वेलवेट बहुत ही खूबसूरत, बड़े डिफरेंट जो है वो इनके लीव्स मौजूद हैं। यहाँ कुछ पोर्शन है डिफरेंट यहाँ पर मिक्स रखे हैं, यहाँ पर आउटडोर सेक्शन है, यहाँ पर स्नेक प्लांट्स रखे हैं, कुछ अगावे रखे हैं, कुछ कैक्टस रखे हैं, और डिफरेंट की प्राइसेस हैं। छोटा वाला जो पॉट है वो 300 का है, देन उससे आगे किस तरह से उसका साइज बढ़ता जाता है, सो चलते रहेंगे रेट्स 1500 2000। यहाँ एक सेक्शन में आपको मैं लिखाऊँ एक प्लांट, और बड़ा ज़बरदस्त प्लांट है ये, और ये है स्प्रेगस फर्न, बहुत ही खूबसूरत, 300 इसके इनके प्राइस बताई हैं, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बेहतरीन, इसके आप कोकेडामा भी बना सकते हैं, बोनसाई के अंदर भी यूज़ होता है ये, और बहुत ही अच्छा ये प्लांट मौजूद है यहाँ पे। तो ये कुछ इंडोर सेक्शन के अंदर चीज़ें मौजूद थी यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाना चाहिए हैं। यहाँ पे चलते हैं आउटडोर की तरफ और देखते हैं आउटडोर में क्या है चल रहा है यहाँ, और बाकी कुछ इस तरह के प्लांट्स मौजूद नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। आउटडोर के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी इस तरह के पॉट्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे, कुछ इस तरह से प्रॉपर सेटिंग में नहीं देखने को मिल रही चीज़ें। यहाँ पर काफ़ी सारे मिक्स प्लेट रखी हुई हैं, कुछ जेट्स वगैरह रखे हैं, कुछ यहाँ पर जूनिपर वगैरह रखे हैं, यूफोर्बिया रखे हैं, फाइकस रखे हैं हुए हैं, ये जेट वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, तो बिल्कुल मिक्स प्लेट चल रही है यहाँ पे, खिचड़ी बनी हुई है, विस्कस वगैरह यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए अगर दूसरी जगह चलते हैं, ये प्लांट मौजूद है यहाँ पे, यूफोर्बिया वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, कॉमन वही जो आपको हर नर्सरी से मिल जाते हैं। आउटडोर सेक्शन के अंदर मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक ये चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, मॉस रोज के यहाँ पर कुछ पॉट्स रखे हुए हैं, यहाँ ये एक मुझे नई वैरायटी मिल रही है इसका, ये यूफोर्बिया है, यूफोर्बिया की एक कैटेगरी है, जस्ट लाइक पेंसिल कैक्टस, बट ये बहुत ही डिफरेंट है, और
और एक नई वैरायटी मुझे देखने को मिली है फर्स्ट टाइम यहाँ पर मुल्तान में, इससे पहले मैंने नहीं देखी है। आउटडोर सेक्शन मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा है यहाँ पर, इनके काफ़ी सारे पॉट्स हैं लेकिन कुछ पाम वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर कुछ, बस यही मुझे एक चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है यहाँ पर, जो ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, ये एक चीज़ जो रखी है ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर। बाकी कुछ फ्लावरिंग के अंदर देखें तो कुछ जैस्मिन वगैरह रखे हैं, 200 का पॉट है, जैस्मिन वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, कुछ ये बोनसाई बने हुए हैं और ये सदाबहार के कुछ पॉट्स मौजूद हैं, 30, 40 और 80 की यहाँ पर वैराइटीज़ के अंदर मौजूद हैं। 30 और 40 में आपको एक प्लांट पूरा मिल रहा है और पनीरियाँ वगैरह चाहिए तो वो 80 रुपीज़ की है, जैसा देख सकते हैं ये पनीरियाँ वगैरह मौजूद हैं इसके अंदर, तो ये 80 का आपको मिल जाएगा यहाँ पर। मिक्स भी हैं और एक सिंगल कलर के अंदर भी मौजूद हैं, तो ये बस आउटडोर के अंदर जो है वो यहाँ पर कुछ मौजूद हैं चीज़ें जो मुझे देखने को मिल रही हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये एक यहाँ पर यूफोरबिया है जो एक छोटे आप यहाँ पर इसके जो है वो फ्लावर्स, और यहाँ पर भी सदाबहार यहाँ पर रखे हैं प्लांट्स वगैरह, तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और मेरे मतलब का प्लांट यहाँ पर मुझे नहीं मिला, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, वो जस्ट आप मैंने टूर करवाया यहाँ का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।